मेरे को जो है 24 साल हो गए हैं पास में, और मैं आपको बता दूं कि जो है इसके बीटेक करने के बाद मैंने जॉब किया, लेकिन जब हमको फील हुआ कि जो है हमें ऐसे लाइन में आना चाहिए जहां पर मैं कई लोगों को इंजीनियर और डॉक्टर ना हो, तो मैं इस फील्ड में आया। मैं कई लोगों की मैंने मदद कर रहा हूँ, कई लोगों की मदद की मैंने, और कई बच्चों को बड़े टैलेंटेड बड़े बच्चों को मैंने पढ़ाया और सपोर्ट किया, और जो है उनको बहुत ऊपर तक पहुँचाया। ऐसे कई एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा था कुछ देर पहले, मानसर को जो है हमने देखा, ऐसे एक बहुत गरीब बच्चा मेरे पास है जिनके मदद ने कहा कि देखिए सर मैं इसको 1 रुपये की फीस नहीं दे सकती। हमें याद है कच्चा शिक्षा निकेतन पढ़ता था, और फिर अंकल सिंह वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि हाँ वास्तव में बच्चा बहुत गरीब है। मैंने फ्री ऑफ क्लास पढ़ाया, उसके बाद बच्चा ट्वेल्थ करते करते IIT में 1179 सेलेक्ट हुआ। उसका 35 साल में जॉब लगा अपना 4 ईयर्स, लेकिन उसने जॉब छोड़ा, MS किया उसने अमेरिका से, और आज उसकी सैलरी 5 करोड़ रुपये है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो है वो 5 करोड़ बहुत छोटे हैं, उसको और आई से अवार्ड मिला जो 4 साल में पूरे विश्व में एक साइंटिस्ट में होता है। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है मैं नहीं कर पाया, मेरे स्टूडेंट वहाँ तक कर रहे हैं, ये नहीं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। हमें याद है कि आज से 4 साल पहले, 3 साल 4 साल 4 साल पहले बच्चा है, 4 साल पहले एक बच्चा आया और उनके टीचर आए मेरे पास, उनको कहा सर ये फैकल्टी बहुत गरीब है, इसकी आप मदद कर दीजिए, इसकी मैं आधी फीस आपको दे दूँगा। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इसके लिए आप 1 रुपये दे दीजिए। और आपको बता दें मैंने उसको पढ़ाया, बच्चा सेलेक्ट हुआ। उनको जब फादर को बताया गया कि बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो फादर को लगा कि मेरा बच्चा कहीं चपरासी बन गया, तो उनको लगा चपरासी के जब अच्छा है तो लहजा करवा लेगा, उनको मालूम ही नहीं था IT है। आपको बता दें कि इस समय IT नहीं, तो 4 साल में है, IT कानपुर पढ़ रहा है बच्चा, और उसकी 35 लाख प्लस में उसकी जॉब हिस्सा लगी। तो जो है आपको बता दें ऐसे बहुत अच्छे हैं जिनकी जो है 2 करोड़ रुपये 2.5 करोड़ रुपये सालाना का पैकेज है, और बच्चे बहुत गरीब थे लेकिन उनको थोड़ी मदद की जरूरत थी। अगर ऐसे टैलेंटेड बच्चों को थोड़ी सी मदद कर दी जाए तो ये खुद में अपने आप में इतिहास लिख देते हैं। जब मैंने आपका जो है बातें सुनी कि भाई NGO इस टाइम में काम कर रहा है, और जब मैंने प्लानिंग सुनी तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा प्रोजेक्ट जो लोग में फीलिंग लाता है कि मैं समाज सेवा करूँ, और इस लाइन में भी कि अपने पास पैसा बहुत नहीं लगाना है, अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो जो है पैसा मिलता भी है, और पैसा उसी में पैसे से बच्चे की मदद भी होती है। तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है जुड़ रहा उसका फायदा है, और जो बच्चे गरीब हैं टैलेंटेड हैं उनका भी बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जितने लोग जुड़ रहे हैं इसमें, वो चाहें तो ऐसे लोग जो समाज में और भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उनको मोटिवेट करें, उन्हें बताएं समझाएं, और वो ज़्यादा अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे संस्था की और अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं कि मैंने कह रखा है कि जो है अगर कोई बच्चा टैलेंटेड हो गरीब हो तो मैं उसे फ्री ऑफ क्लास पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथ फिजिक्स भी मैं फ्री ऑफ क्लास पढ़वाऊँगा, और अगर बच्चा IIT में अटेंडेड रैंक ला रहा है तो उसकी 4 साल की फीस जो भी 7-8 लाख रुपये खर्च होते मैं दूंगा उसको। ऐसा नहीं है, अगर ये मैं समाज को दे रहा हूँ तो समाज मेरे को दे जाता है, लोगों को गलत फहमी होती है कि मैं कुछ दे रहा हूँ। फैक्ट है कि कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा बहुत ऊपर पहुँच रहा है, बहुत ऊँची जगह पहुँच रहा है, तो उससे हमें जो सम्मान मिलता है वो मेरा एक एसेट है जो मैं पैसा खर्च करके नहीं बना सकता। इसलिए सामाजिक कार्य कहीं ना कहीं लोगों का नाम और सम्मान दोनों देता है। जहाँ लोग सुनते हैं कि आदमी सामाजिक काम कर रहा है उसके लिए फीलिंग्स मेरी बदल जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोगों ने जो NGO ज्वाइन किया और जो वर्क कर रहे हैं वो अपने आप में यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग और बढ़ाइए, और जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। समाज की तरह की सेवा है, और लाइफ में इंसान आ रहा है तो कुछ कर ही जाएगा, और इसे धर्म और कर्म समझ के काम करने में हमको लगता है कि समाज को बड़ा फायदा मिलेगा। बस मैं इतना ही बोलूँगा, मेरे लायक कोई भी सेवा है तो मैं हमेशा इस संस्था के लिए लगा रहूँगा। धन्यवाद।